भी लगेगा। ठीक है, तुम पढ़ाते हो, तुम नहीं पढ़ाते, क्या तुम पढ़ाते हो, क्या तुम नहीं पढ़ाते, तुम क्यों पढ़ाते हो, तुम क्यों नहीं पढ़ाते, तुम पढ़ाते थे, ए नालायक, तुम पढ़ाते थे, यू टॉट, तुम नहीं पढ़ाते थे, क्या तुम पढ़ाते थे, क्या तुम नहीं पढ़ाते थे, तुम क्यों पढ़ाते थे, तुम क्यों नहीं पढ़ाते थे, तुम पढ़ाओगे, तुम नहीं पढ़ाओगे, क्या तुम पढ़ाओगे, क्या तुम नहीं पढ़ाओगे, तुम क्यों पढ़ाओगे, तुम क्यों नहीं पढ़ाओगे। ठीक, वर्ब चेंज करके देखते हैं। तुम आते हो, तुम आते हो, तुम नहीं आते, यू डोंट कम, हर कहीं नॉट, ये गलती नहीं करना, देख लो यही सब करना है। ठीक है, तुम आते हो, तुम नहीं आते, क्या तुम आते हो, क्या तुम नहीं आते, डोंट यू कम, तुम क्यों आते हो, तुम क्यों नहीं आते, कोई दिक्कत, तुम आते थे, यू हैव गॉन मैड, यू, आई थिंक ही आंसर इन अ रैंडम वे, तुम आते थे, कॉम नहीं, केम, सेकंड फॉर्म ऑफ द कॉम इज केम, तुम आते थे या तुम आए, ए यू केम, बात एक ही है, डोंट केम, यानी क्या क्या कर देते हो, बड़े फास्ट बोलते हो, है ना, तुम आते थे, यू केम, तुम नहीं आते थे, यू डिडंट, अब कम आएगा, केम नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, ये देखो ना, टॉट का टीच हो गया। इसी प्रकार घर में बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा, और नहीं तो बहाने तो हमारे पास बहुत हैं नहीं करने के, सर जी टाइम नहीं मिली, ठीक है, टाइम सबके पास बराबर है, सभी के पास, अम्बानी के पास भी 24 ही घंटे हैं, लेकिन अम्बानी की रोज पेपर में छपती है और हमारी छुप जाती है। तुम नहीं आए थे, यू डिडंट कम, क्या तुम आए थे, डिड यू कम, क्या तुम नहीं आए थे, डिडंट यू कम, तुम क्यों आए थे, व्हाई डिड यू कम, तुम क्यों नहीं आए थे, व्हाई डिडंट यू कम, तुम आओगे, यू विल कम, तुम नहीं आओगे, क्या तुम आओगे, बस यही परिवर्तन आता है, बाकी सब यही का यही रहता है। क्या तुम नहीं आओगे, तुम क्यों आओगे, तुम क्यों नहीं आओगे। अब यहां से खेल चालू होता है स्पोकन इंग्लिश का, क्योंकि हमें 6 सेंटेंस बनाना आ गया। अगर हमें कोई भी लिखने को देगा तो ये 100% बात है कि 6 के अंदर से ही देगा, क्योंकि सातवा होता ही नहीं है, सातवा होता तो मैं नीचे लिख देता, इसमें से भी कोई देगा तो 6 के अंदर से देगा, बस ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है विद इन अ सेकेंड कि आखिर ये कौन सा दे दिया। और पूछने के लिए ज्यादातर आदमी प्रश्न से शुरुआत करते हैं, है ना, वो भी कब, जब अंग्रेजी नहीं आती तब, या कोई भी भाषा, जैसे हिंदी में हम कभी स्पष्ट प्रश्न नहीं पूछते किसी से, हम इतना ही बोलते, और भाई बढ़िया, नर्मदाजी जा रहे हो, हाँ भैया नर्मदा, जबकि आपने प्रश्न नहीं पूछा, आपने ये नहीं पूछा क्या नर्मदाजी जा रहे हैं आप ये बोलते नर्मदाजी जा रहे हो, ऐसे बोलते अपने यहाँ, ये नर्मदाजी जा रहे होंगे, हाँ भैया नर्मदाजी जा रहे हैं, या अपन वो कुछ भी बोल देते, वो भैया पेड़ पे चढ़े हो, हाँ पेड़ पे चढ़े हैं, बकूद है, अब थोड़ी देर बाद खड़े रहो, यस, तो आदत है, ठीक है, अपने यहाँ तो कुछ ही बात करते रहते, पानी गिर रहा है तो भी, बेटा ऐसे नहीं करते, जैसे अपने यहाँ तो पानी गिर रहा है तो भी बात करते हैं, तो भी आदमी से बोल देते हैं, और शर्मा जी बहुत पानी गिरवा रहे का बात है, जबरदस्ती शर्मा जी सोच रहे होंगे, शर्मा जी सोच रहे होंगे हमारे नल में पानी नहीं आ रहा पीने के लिए, 4 दिन से तुम कह रहे पानी गिरवा रहे, तो अपने यहाँ के बात करने का तरीका है ना, कुछ भी बात शुरू करने का, और भैया बहुत बढ़िया रोड बनवा रहे, जब रोड बनवा रही सरकार, वो भी ग्लैड हो जाता है पड़ोसी भी कि हाँ भैया बनवा रहे थे, सोचा बनवा दें आपके कुछ। यहाँ से क्या तुम पढ़ाते हो, डू यू टीच, क्या तुम पढ़ाते हो, क्या तुम पढ़ाते थे, क्या तुम पढ़ाओगे, डू यू टीच, क्या तुम पढ़ाते हो, ए नालायक, क्या तुम पढ़ाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम भगवान में विश्वास करते हो, क्या तुम नहाते हो, क्या तुम मार्केट जाते हो, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या तुम मेरी मदद करते हो, क्या तुम मुझे चाहते हो, डू यू लव मी, बांट मी नहीं होता, बांट मी का मतलब होता है 90 किलो का आदमी उठा घर में धर लो, वो चाहे ना, वो लव होता है कि उतनी दूर भी है आदमी उतनी दूर तब भी अपन चाह रहे हैं पसंद कर रहे हैं, वो चाहना होता है, ठीक है,
तो चाहने का मतलब है आदमी की सलामती की चाहना। चाहना वैसा होता है, चाहना ये नहीं होता कि तुम शादी कर लो मुझसे, ठीक है, वो चाहना नहीं होता, दैट इज नॉट। चाहने का मतलब है मैं तुम्हें चाहता हूँ, इसका मतलब क्या हो जाती, तुम्हें करना हो तो करवा देंगे, ठीक है, सब हो जाता है आजकल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। चाहने का मतलब ऐसा होता है कि भाई हमने चाहने की परिभाषा बदल दी, चाहने का मतलब है कि अगर मान ले मैं तुम्हें चाहता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हारी सलामती चाहता हूँ, कि आपको कोई नुकसान ना हो, आपको कोई खतरा ना हो, आप सलामत रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ये होता है चाहने का मतलब। चाहने का मतलब ये नहीं किसी ने कह दिया मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, पीछे घूम रहे हैं तो फिर ठीक है, बैठ तुम भी चाहते हो तो गाड़ी पे बैठ जाओ, अपन गार्डन का चक्कर मार के आते हैं, ये थोड़ी होता है चाहने का मतलब। ठीक है, तुम चाहते हो मैं भी चाहता हूँ, ओके, लेकिन यहाँ चाहने का मतलब अलग ही होता है। चाहते हो मतलब वो सीधे उसके दिमाग में फिर पुंगी बजना और बैंड बजना दिखाने लगता है कि माला डर रही है, घोड़े पे बैठे हैं, सब बराती डांस कर रहे हैं, आए हम बराती बारात लेके, वो वहाँ तक सोच लेते हैं चाहने का मतलब। बट इन रियलिटी दैट इज़ नॉट द लव, लव इज़ द केयर, लव इज़ द पॉजिटिव थिंकिंग फॉर समवन, लव इज़ अ सेक्रीफाइस, लव इज़ अ डेडिकेशन। दैट आई लव यू मीन्स आई एम श्योर दैट आई विल बी रेडी टू हेल्प यू थ्रू द लाइफ। अगर मैं ये कहता हूँ मैं आपको चाहता हूँ, इसका मतलब यह है कि मैं आपके अच्छे बुरे में दूर से ही कैसे भी अच्छे बुरे में मैं आपके लिए सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। राइट, यही होना चाहिए कि नहीं? पर ये होता नहीं है, इसका मतलब वो चाहना नहीं होता, वो कुछ और होता, वो डील होती है वो। ठीक है, अब और देखते हैं क्या। हाँ, बहुत भयानक बना दिया है। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हु द हेल आर यू या आई हेट यू जवाब आएगा सीधा। ठीक है, डू यू टीच, ठीक है, तो क्या तुम पढ़ाते हो, डू यू टीच। अब पास्ट में पूछना, क्या तुम पढ़ाते थे, कुछ भी नहीं करना, जो मैं पूछूंगा डेड लगा के बोलते जाओ। क्या तुम जाते थे, क्या मैं आते थे, क्या तुम खेलते थे, क्या तुम मेरी मदद करते थे, क्या तुम गाना गाते थे, ठीक, क्या तुम पढ़ाओगे, क्या तुम जाओगे, क्या तुम आओगे, क्या तुम नहीं आओगे, वॉन्ट यू कम, नीचे वाला थोड़ा, तुम क्यों आओगे, वाई विल यू कम, तुम क्यों नहीं आएगे, वाई वॉन्ट यू कम। समझ में आ गया, यही सब करना रहता है हमें, बार बार इसी की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ठीक है, और कल फिर और एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा सा इसी इट के साथ। अब थोड़े से कुछ सेंटेंसेस लिख लो इसी से संबंधित जो आप करना।